नमस्कार। फाइट कोरोना फ्लू ट्यूटोरियल सीरीज में मैं तेजपाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए चुना है वो है बॉडीगार्ड फिल्म का तेरी मेरी प्रेम कहानी। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट, बहुत इजी ट्यूटोरियल है और एज ए बिगनर आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सारे शुद्ध स्वर इसमें हैं और इसीलिए मैंने इसको सी मिडिल फ्लूट का यूज इसमें कर रहा हूँ, सो दैट मैक्सिमम बिगिनर्स के पास यही फ्लूट होता है। और आप इसको पहले इसका मुखड़ा के पूरे सॉन्ग का मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्वर इसमें लगेंगे मंद्र सप्तक के प ध और नी, उसके बाद मध्य सप्तक जो है इसका है सारे ग म प ध नी, और तार सप्तक में सिर्फ एक स्वर सा लगेगा, एक ही स्वर लगेगा सा तार सप्तक का। ठीक है दोस्तों, फिर भी कुछ चेंजेस होगा बीच में, अगर चेंजेस होता है तो मैं आपको दोबारा से भी रिमाइंड कराऊंगा। आइए आप चलते हैं पहली लाइन, तेरी मेरी, ये ध से शुरू होगा, ध ग रे ग सा, देखो तेरी मेरी मेरी तेरी, अब यहां तक पूरा सुनिए, बिल्कुल ही प्लेन उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई गमक मुर्की का यूज अभी नहीं कर रहा हूँ। आप गाने को सुनेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ पे आप थोड़ा सा हरकत देख के इसको और सुधार इसमें कर सकते हैं। अभी देखिए, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, अब थोड़ा सा इसमें हरकत दीजिएगा यहाँ पे, प्रेम कहानी रे गे गे सा, वापस आप मंद्र सप्तक में आएंगे, नी धनी धप है मुश्किल, अब पूरी लाइन सुनिए, थोड़ा सा ट का टंगविंग कर सकते हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दो लब्जों में ये, दो लब्जों पधनी धसा में ये नीरे, अब पूरा सुनिए, दो लफ्जों में ये दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए, ये तो था प्लेन, बहुत ही प्लेन हो गया ये, है ना। लेकिन आपने क्या करना है इसमें, पहले ऐसे निकालिए, फिर उसको थोड़ा सा ग रे गे सारे सा नी सा नी धनी धा बयाना हो बाए, ऐसे कीजिए इसको, लास्ट में ध के साथ में इसको प का एक कर्ण स्वर दे दीजिएगा, है ना, बयाना हो बाए गरे गरे। उसके बाद फिर से रिपीट होंगे यही स्वर, एक लड़का एक लड़की की कहानी है नहीं, सेम यही स्वर, बोल चेंज हो जाएंगे, स्वर ये नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पहला और दूसरा मुखड़ा ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पैराग्राफ की, एक दूजे से हुए जुदा, ग म ग ग म ग ग म ग रे ग, हुए
जो ना लास्ट में रेगा ग म ग ग म ग ग म ग रे ग। इसमें भी टॉप का टंगुइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा उसके बाद है जब एक दूजे के लिए बने, अभी ध आएगा जो ध प वो मंद्र का नहीं आएगा, मध्य का हो जाएगा, थोड़ा सा ध का लेवल ऊपर हो गया। अभी हम गौ से कर रहे हैं और ध प आगे तक जाएंगे, ठीक है। जब एक गाने में भी देखिए आप ऊंचा उठता है, जब एक दूजे के लिए बने, वापस फिर आ जाएगा लिए बने वो, जब एक दूजे मा ग म ग रे ग, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ग म ग रे ग जब एक दूजे के लिए बने, फिर से वो मुखड़ा आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपका तीसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट। अब हम चौथे मुखड़े में आते हैं, इसमें चौथे पैराग्राफ में आते हैं। तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, मंद्र सप्तक, फिर से हम पीछे आ गए, ध से शुरू होगा। तुमसे दिल जो लगाया आगे जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा। तुमसे दिल जो लगाया दसा गरे गरे, जो लगाया सारे नी, थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए नी को धानी के साथ ही, नी को हल्के से धा का टच। तो जहां मैंने पाया, एक स्वर ऊपर चढ़ गए, मौ पे भी टच कर दिया अभी हमने। तो जहां मैंने पाया, तो जहां मैंने गा रेगा रेखा हल्का सा कण पाया। अब इसको पूरा सुनिए, पूरी लाइन को। तुमसे दिल जो लगाया, एक स्वर पर चढ़ गए, तो जहां मैंने पाया, फिर नेक्स्ट वाला रिपीट होगा। कभी सोचा न था ये, सेम ऐसे यही स्वर लगेंगे। मिलो दूर होगा साया, तो ये फोर्थ पैरा इसका कंप्लीट। नाउ वी कम टू द फिफ्थ पैराग्राफ, दैट इज ये थोड़ा सा हायर उसमें चला जाता है। इसमें क्या है, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। पधानी सानी द ऐसा ख्वाब दिखाया, सेम। अच्छा इसमें द वो क्या मध्य सप्तक के आ गए, ठीक है। मंत्र में कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में, सर मंत्र मध्य और एक सर इसमें ता सप्तक का लगेगा, दैट इज सा। ये आ गया सा, क्यों खुदा तूने मुझे, फिर से वापस आएंगे उन्नी, रिपीट है। ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे, ये तीनों फ्रेज जो है इन सब में सेम स्वर लग रहे हैं। कौन से स्वर लग रहे हैं,
पदानी सानी दा। जब हकीकत ने उसे लाश वाला तोड़ना था, तोड़ना के लिए आप धनी दा, धनी दा प। फिर से आप घर में आ जाएंगे एंड